वहीं आगामी 4 नवंबर को उत्तराखंड में इगास बग्वाल पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसको लेकर उत्तराखंड शासन ने छुट्टी का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद यह आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में दिवाली के 11 दिन बाद लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया जाता है, जिसको लेकर धामी सरकार का मकसद है कि सभी लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं और नई पीढ़ी को भी इस त्योहार से जोड़ें। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हिमांशु। हिमांशु, इगास बग्वाल पर धामी सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है और किस तरह का माहौल देखा जा रहा है इस पर्व को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में 4 नवंबर को लोक पर्व इगास का अवकाश रहेगा मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद। मंगलवार को शासनादेश भी जारी हो चुका है और वही कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ हम सब मिलके इगास मनाएंगे और नई पीढ़ी तक अपनी संस्कृति को जुड़वाएंगे। और लोक पर्व इगास हमारा लोक संस्कृति का प्रतीक भी है, ये पर्व खास बनाने के वास्ते ये इस दिन हमारे राज्य में छुट्टी रहेगी और ताकि हम सब लोग अपने गांव और अपने कुटुंब के साथ यानी कि अपने परिवार के साथ इस पर्व को धूमधाम से मना सके और हमारी नई पीढ़ी भी हमारा पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहनी चाहिए, यही हमारा खास उद्देश्य है। इसी के तहत शासनादेश जारी हुआ है। वही सचिव प्रभारी जो है उनके विनोद कुमार सुमन की ओर से ये शासनादेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 4 नवंबर को प्रदेश के सभी सरकारी अशासकीय कार्यालय, शैक्षिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों के साथ ही बैंक व कोषागार भी बंद रहेंगे। जी, इस इगास बग्वाल के पर्व पर 4 नवंबर को जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऐसा भी कहा गया है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर सरकार भी यही करने जा रही है कि जितने भी विधायक हों या जितने भी जनप्रतिनिधि हों वो अपने अपने गांव में इस पर्व को मनाएं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी पूरी तैयारी के साथ कहा है कि जितने भी सांसद और विधायक हैं और जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो सभी अपने गांव में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं और इस पर्व को पर्व की पहचान के लिए आगे इसको बढ़ाएं। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। देहरादून में 4 नवंबर को उत्तराखंड में इगास बग्वाल पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड शासन ने छुट्टी का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद यह आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में दिवाली के 11 दिन बाद लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया जाता है। इस पर सरकार का मकसद है कि सभी लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं और नई पीढ़ी को भी इस त्योहार से जोड़ें।